लोकसभा इलेक्शन 2019 के जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही हैं। एग्जिट पोल ने 19 मई को ही बता दिया था कि दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है और शुरुआती रुझान भी कुछ ऐसी तस्वीरें पेश कर रहे हैं। जाहिर है कि दिल्ली में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस से बार बार बात करने पर भी असफल रहने वाले मुख्यमंत्री के माथे पर सलवटें पड़ रही हैं। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों के लिए इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था। बीजेपी ने यहां कई नए चेहरों को भी उतारा था, जिसमें क्रिकेटर गौतम गंभीर, सूफी गायक हंसराज हंस जो रुझान दिख रहे हैं। अगर रिजल्ट भी वैसा ही आता है तो दिल्ली विधानसभा की 67 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए ये विचारणीय प्रश्न होगा। इस बार दिल्ली में 15 सालों तक राज कर चुके शीला दीक्षित भी मैदान में हैं। अगर शुरुआती रुझान ही नतीजों में बदलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित का भी लोगों से मोह भंग हो गया है। उसी वजह से आम जनता ने उनको भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को भी लोगों ने नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को यहां से एक भी सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की जनता अब इनके शासन से मुक्ति चाहती है। उसी वजह से लोकसभा में सभी नेताओं को नकार दिया गया है। अगर आम आदमी पार्टी यहां से एक भी सीट नहीं जीतती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनको अपने इसी तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों ने पहले से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा रखी थी। वैसे चुनाव से पहले आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई थी और आखिरी समय तक दोनों के बीच सीटों को रजामंदी नहीं बन पाई। तब तक दोनों ने अकेले अकेले ही चुनाव लड़ना तय किया। कांग्रेस ने अपने कई पुराने नेताओं को दांव पर लगाया तो आपने भी पार्टी के वर्कर उतारे। अगर आप और कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलती है तो इसका एक बड़ा कारण दोनों के बीच गठबंधन न होना भी माना जाएगा। उसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी और कांग्रेस को पसंद कर सकती है, लेकिन लोकसभा में वो मोदी को ही मजबूत करना चाहते हैं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।